अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मुवाहिब अनवर विद हामिद नजमी एंड वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ आई वेंचर। आई वेंचर वो प्लेटफॉर्म है जिसपे हम डिफरेंट बिजनेसेस के बिजनेस मॉडल को, आइडियाज़ को और केस स्टडी करते हैं। और आज जिस कंपनी या बिजनेस की हम केस स्टडी करने जा रहे हैं, ये वो कंपनी है जो क्लेम करती है कि क्रिश्चियंस के क्रॉस के साइन से ज़्यादा इनका लोगो रिकॉग्नाइजेबल है पूरी दुनिया के अंदर। ये वो कंपनी है जिनके हर सेकंड में 75 के करीब बर्गर्स सेल हो जाते हैं। ये वो कंपनी है जो हर साल 1 बिलियन के करीब डायरेक्ट मार्केटिंग पे स्पेंड करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैकडोनल्ड्स के बारे में। हामिद, मैकडोनल्ड्स ब्रदर ने मैकडोनल्ड्स की शुरुआत की थी 1948 में और ये इनका दूसरा बिजनेस वेंचर था। इससे पहले वो हॉट डॉग के बिजनेस में थे और फिर इन्होंने एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट को चेंज करके फास्ट फूड रेस्टोरेंट बनाया। मतलब एक कन्वेंशनल बिजनेस को फास्ट फूड रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने जो फास्ट फूड इंडस्ट्री थी उसको रेवोल्यूशनाइज किया। उससे पहले इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज होता था। आप किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर आपसे ऑर्डर लेता है। इन्होंने उस चीज़ को ख़त्म करके सेल्फ सर्विस को इंट्रोड्यूस करवाया फर्स्ट टाइम एवर। और साथ साथ इनका जो बर्गर था वो आधे टाइम में आधी प्राइस पे आपको मिलता था, जो कि एक बहुत यूनिक आइडिया था। वो अपनी प्रोडक्ट्स को, बर्गर के अंदर यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स को पहले से रेडी करके हीट लैंप्स के नीचे रखते थे ताकि एज सून एज पॉसिबल उस बर्गर को बना के कस्टमर को दिया जा सके। ये जो आइडिया था ये बहुत ज़्यादा यूनिक था। अभी सुनने में शायद ये आइडिया इतना यूनिक ना लगे, क्योंकि हम अब किसी भी चेन में चले जाएं फास्ट फूड की, आपको यही कॉन्सेप्ट दिखने को मिलता है, लेकिन उस टाइम पे ये आइडिया बहुत ज़्यादा यूनिक था। मैं तो मतलब अभी तक जब मैकडॉनल्ड्स को मैंने देखा तो हम लोग तो उनकी बिजनेस और मार्केटिंग और ये चीज़ें देखते थे। मेरे लिए बड़ी नई चीज़ है कि आपने जो हिस्ट्री बताई है कि उन्होंने ही, देवर द वन जिन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया और फूड को फास्ट करने का कॉन्सेप्ट जो था वो इनकी तरफ से आया। और प्री रेडी इंग्रेडिएंट्स आज तो हमें नजर आते हैं, लेकिन इनोवेशन जिनकी थी वो ये मैकडॉनल्ड्स वाले थे। that is और मैकडॉनल्ड्स जिसे हम आज जानते हैं, इसके पीछे मैकडॉनल्ड्स ब्रदर से ज्यादा एक और इंसान का हाथ है। और उनका नाम था रे क्रॉक। रे क्रॉक ने जब फर्स्ट टाइम एवर मैकडॉनल्ड्स ब्रदर के इस सेटअप को देखा, क्योंकि वो एक किचन अप्लाइंसेस के सेल्समैन थे और वो अपने शेकर को सेल करने के लिए उनके पास गए थे, तो उन्होंने जब ये बिजनेस मॉडल, ये बिजनेस आइडिया देखा तो उन्हें वो बहुत यूनिक लगा और उन्होंने उनसे फ्रेंचाइजिंग के कुछ शेयर्स मैकडॉनल्ड ब्रदर से खरीद लिए, यानी कि वो फ्रेंचाइजिंग कर सकते थे। और 1961 में आके सारे जितने भी राइट्स थे मैकडॉनल्ड्स के, वो रे क्रॉक ने उनसे बाय कर लिए थे। मतलब मैकडॉनल्ड ब्रदर से रे क्रॉक के पास चले गए। बिल्कुल, मैकडॉनल्ड ब्रदर्स जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स को स्टार्ट किया था, उनका राइट नाउ इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। रे क्रॉक ने क्योंकि उनसे सारे राइट्स परचेज कर लिए थे 1961 में। और उसके बाद से मैकडॉनल्ड्स को जो आज हम जानते हैं, इतने बड़े एम्पायर को, उसके पीछे जो सारा आइडिया, जो सारा ब्रेन था, वो रे क्रॉक का था। वेरी राइट। यही वजह है कि ये मैकडॉनल्ड्स की पूरी दुनिया में 38,000 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज मौजूद हैं और 120 ज़्यादा कंट्रीज़ में ये अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अच्छा भाई, मैं यहाँ पे बताऊँ कि जो इनकी मोर देन 38,000 फ्रेंचाइजीज़ है ना, इसमें से बड़ी डिफरेंट चीज़ ये है कि ये सिर्फ 7% खुद ऑन करते हैं। 93% जो इनकी जो रेस्टोरेंट्स हैं वो फ्रेंचाइज़ किए हैं इन्होंने। तो इसमें से 7% ये खुद ऑन करते हैं और 93% ये आउटसोर्स किया हुआ इन्होंने, दिया हुआ लोगों को फ्रेंचाइज। और इनका प्लान है कि ये इसको 7% से भी कम करें। अच्छा। क्योंकि फ्रेंचाइज बिजनेस ज़्यादा लुक्रेटिव है, तो वो उसको 95 करना चाहते हैं और 5% जो है ना वो खुद अपने मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो लर्न कर सकें कोई नई प्रोडक्ट को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करके, मतलब एज अ यू नो अपनी इन बिल्ट जो है ना वो रिसर्च लैब के तौर पे 5% रेस्टोरेंट रन करना चाहते हैं। बाकी 95% वो चाहते हैं कि वो बाकी लोगों को और कंट्रीज के अंदर जो है ना फ्रेंचाइज कर। वो 5% वो मतलब अपनी नई प्रोडक्ट्स के एक्सपेरिमेंट के लिए, लर्निंग के लिए। और यही रीजन है कि इनकी नई से नई प्रोडक्ट हम देख रहे हैं और इस कंपनी में बहुत ज्यादा इनोवेशन है। एग्जैक्टली, यही रीजन है कि वो कंटिन्यूअसली R&D करते हैं और वो जो उन्होंने इन हाउस अपने पास रखे हुए हैं फ्रेंचाइजेस, उनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चीजों को लाते हैं और फिर पूरी दुनिया में रोल आउट करते हैं। हामिद, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मैकडॉनल्ड्स पर डे 78 मिलियन लोगों को
खाना प्रोवाइड करता है। दैट इज़ ह्यूज, इंडीड इट्स अ ह्यूज, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई और कंपनी इतनी बड़ी रीच रखती है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग फैक्ट मैकडोनल्ड्स के बारे में ये कि इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। अच्छा, ठीक है। सो मतलब हम लोग HR की रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं तो वहाँ पे ये कई दफ़ा आता है और बड़ा बिग फिगर है। इससे पहले वॉलमार्ट एक कंपनी है जो कि आपको पता है रिटेल बिजनेस के अंदर है, एक मेगा जाइंट है, तो उनके पास नंबर वन है एम्प्लॉयर है वो, और मैकडोनल्ड्स अराउंड 1.7 मिलियन 17 लाख लोगों को जो है ना वो अपने साथ रोजगार देता है। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी सरप्राइजिंग, बिल्कुल बहुत ह्यूज अमाउंट है ये, बहुत ज़्यादा इंडीड लोगों को ये एम्प्लॉयबिलिटी दे रहे हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज में दे रहे हैं। यही एक वजह है कि पिछले साल में अगर इनका रेवेन्यू देखा जाए तो वो तकरीबन $20 बिलियन के करीब है इनका रेवेन्यू 2020 का। अच्छा, रेवेन्यू से मुतल्लिक मैं आपको एक चीज़ शेयर करूँगा कि जो इनका रेवेन्यू है वो एक सिंपल आपको जो नज़र आता है इतना सिंपल है नहीं। रेवेन्यू इनका बड़ा ही एक्साइटिंग चीज़ रेवेन्यू के बारे में ये कि मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं रेवेन्यू की। अच्छा, आप अगर कोई एक बिज़नेस करते हो जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि आपने एक मैकडोनल्ड का आउटलेट देखा जहाँ पे बर्गर्स बन रहे हैं, मिल्क शेक्स बन रहे हैं, आइसक्रीम बिक रही है, फ्राइज़ बिक रहे हैं, चिकन बिक रहा है, ठीक है, कॉफ़ी अब तो मैक कैफ़े भी साथ है तो उसकी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, ये इनका रियल बिज़नेस नहीं है। इट इज़ अ बिज़नेस लेकिन ये रियल थिंग नहीं है उनकी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मैकडोनल्ड्स की जो कामयाबी है उसके पीछे ना उनके बर्गर्स हैं, ना फ्राइज हैं, ना उनके शेक्स हैं, उनका असल बिजनेस। एग्जैक्टली क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिकॉज आई एम अ नंबर पर्सन, और जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो हमें वो नंबर ज़्यादा प्यारे दिखते हैं जो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो अगर हम मैकडोनल्ड्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें तो उनके जो हेल्दी फिगर्स हैं वो इनके रेस्टोरेंट के बर्गर सेल में नहीं है। अच्छा, वो अदर चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन के क्या चीज़ें हैं जहाँ से ये मल्टीपल जो है ना बिज़नेस मॉडल पे रिलाय कर रहे हैं। तो एक तो चीज़ आपने देख ली कि इनके रेस्टोरेंट्स हैं जो ये खुद ओन करते हैं, जो मैंने बताया 7% है, तो उसकी इनकम प्योरली मैकडोनल्ड्स के पास आती है। और फिर इनके 93% जो फ्रेंचाइजी जो इन्होंने दिए हुए हैं फ्रेंचाइजेज, उससे इनको इनकम आती है। अच्छा, ये इनकम बड़ी इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली ये होता है कि आपका फूड चेन है तो आपने फ्रेंचाइज दी, आपने उसकी वन टाइम फ्रेंचाइज फ़ी ली, और उसके बाद आपकी एक सेल के साथ एक वेरिएबल फ़ी होती है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल 100 रुपी हुई है तो आपने 4 रुपीज़ 5 रुपीज़ 6 रुपीज़ मुझे देने होंगे सेल्स के, सेल्स का कट जिसको हम बोलते हैं। सो ये अपने फ्रेंचाइजेज से वन टाइम फ़ी भी लेते हैं, सेल्स का कट भी लेते हैं, और जो सप्लाइज यूज़ होती हैं पूरे रेस्टोरेंट में फ्रॉम अ स्ट्रॉ टू कॉफ़ी मग, और उसके इंग्रेडिएंट्स और रॉ मटेरियल्स और चिकन और रेसिपीज़, ठीक है, इवन जो नैपकिंस यूज़ होते हैं वो सब भी मैकडोनल्ड्स खुद अपने फ्रेंचाइजर्स को बेचता है। तो वो एज अ ट्रेडिंग से भी बिजनेस कर रहा होता है। लेकिन फिर भी मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी तक मैंने आपको वो नहीं बताया कि इनका मेन बिजनेस क्या है। इनका जो मेन बिजनेस है दैट इज़ रियल स्टेट, और ये सरप्राइजिंग इसलिए कि दुनिया में कोई कंपनी इस तरह से ऑपरेट नहीं कर रही जिस तरह से मैकडोनल्ड्स ऑपरेट कर रहा है। जी, मैकडोनल्ड करता क्या है कि ये इनकी बड़ी ज़बरदस्त टीम है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ के बाइंग एंड सेलिंग में ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रखते हैं। सो दे नो द राइट इंग्रेडिएंट एंड रेसिपी नॉट ओनली फॉर द फूड बट फॉर द प्रॉपर्टी एज वेल। अच्छा, तो ये जाके जहाँ पे इनको लगता है कि कॉरपोरेट जगह है, नॉर्मली जो हाई ट्रैफिक इंटरजेक्शंस होते हैं और वो जगह जहाँ पे पार्किंग स्पेसेस भी होती हैं, ये उनको टारगेट करते हैं और बाय कर लेते हैं। फिर जब ये बाय कर लेते हैं उस प्रॉपर्टी को, जब इनके पास एप्लीकेंट्स आते हैं फ्रेंचाइज के लिए, तो अपनी जगह को ही फ्रेंचाइजर को रेंट पे देते हैं, और वो रेंट काफ़ी ज़्यादा होता है मार्केट प्राइस से। मतलब ये अपनी फ्रेंचाइजी के साथ जो टर्म्स एंड एग्रीमेंट करते हैं उसमें ये मेंशन करते हैं कि आप इसी जगह पे अपना आउटलेट बिल्ड करोगे। सही, तो उसका रेंट मतलब जो जगह ये ख़रीदते हैं तो साथ किराएदार इनका ऑलरेडी टेनेंट जो है वो जो है ना इनके साथ ऑन बोर्ड होता है। सो ये दुनिया में कहीं पर भी नहीं होता कि आप प्रॉपर्टी लें और आपको किराएदार जो है ना वो खुद आप ही वो लाके उसको बिठा रहे हो और वही आपको मार्केट से ज्यादा आप प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं, वो आप उसको प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं, उससे मुनाफा कमा रहे हैं, वो आपको रॉयल्टी जो वो बेच रहे प्रोडक्ट उससे भी आपको कमा के दे रहे हैं, और वो हर महीने आपको रेंट भी दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और लोग क्योंकि अच्छा ये टर्म्स अगर सुनने हम बैठ के तो कहते हैं कि लोग क्यों करते हैं भाई इनके साथ काम, क्योंकि प्रोडक्ट इतना विनिंग है। नाउ कमिंग बैक टू द बर्गर्स एंड फ्राइज एंड शेक्स, प्रोडक्ट इतना विनिंग है और प्रोडक्ट इतना जो है ना वो कह लें कि प्राइस ब्रैकेट के अंदर लोगों के आता है, और ख़ास तौर पे वर्किंग लंच की जब हम बात करते हैं
तो लोग वहाँ से विंडो से गुजरते हैं, और जिस तरह से आपने बताया कि री इंजीनियरिंग करके इतना तेज़ कर दिए फूड के प्रोसेस को और इन्होंने ही रेवोल्यूशनाइज किए, तो ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली वो रियल स्टेट के बिजनेस को सपोर्ट कर रही होती हैं। सो जो मेजर मॉडल है दैट इज़ रियल स्टेट, ये खुद से लोकेशंस चूज़ करते हैं, अपने फ्रेंचाइजर को कहते हैं कि आपने हमारी लोकेशन पे ही बिल्ड करना है। अब इसके ऊपर वो जो बिल्ड करेगा उसके पैसे वो खुद देगा, फ्रेंचाइज की जो फीस होगी वो खुद देगा, और हर महीने जो बिजनेस से कमाएगा उसके अंदर से भी हिस्सा देगा, जो सप्लाईज खरीदेगा उसमें से भी उनको देगा, और प्लस एक जो रेंट की इनकम है जो उसने रेंट किसी और को देना था अगर वो किसी और जगह पर जाता, तो मैकडोनल्ड वो रेंट को भी प्लान करके 20 ईयर्स का 10 ईयर्स का एग्रीमेंट करके वो रेंट भी उनसे प्रीमियम पे चार्ज करता है। तो ये इनका मॉडल है जो मल्टीपल बिजनेस स्ट्रीम मॉडल है इनका, मतलब इन्हें किसी भी जगह से नुकसान नहीं है। और अगर देखा जाए, अगर इनकी कोई फ्रेंचाइज ना चले, जो कि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, तो भी अपने रियल स्टेट जो इनकी जमीन है उसे बेच के अपने पैसे पूरे कर सकते हैं, बल्कि प्रॉफिट लेंगे उसके। ऑब्वियसली आप देखेंगे रियल स्टेट एक ऐसा एसेट है जो हर ईयर अप्रिशिएट होता है। बिल्कुल ठीक है, तो आज आपने अगर एक प्लॉट लिया है या एक बिल्डिंग ली है, तो आफ्टर अ ईयर, ठीक है, और ईयर में ज्यादा कह रहा हूँ, शायद 6 माह के बाद भी उसका रेट अप्रिशिएट होता है। ठीक है, और ये जिन लोकेशंस को ये टारगेट करते हैं वहां तो बहुत मैसिव मल्टीप्लायर्स होते हैं। तो अगर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 2, 3, 4, 5 साल बाद भी अगर, जो कि बहुत नियर टू इम्पॉसिबल है, अगर वो आउटलेट नहीं ऑपरेशनल हो पा रहा, तो स्टिल इनको रियल स्टेट के ऊपर ही इतना अच्छा बेनिफिट मिल जाता है कि इनको उसमें भी नुकसान नहीं होता। बिल्कुल, सो यही इनका यूनिक बिजनेस मॉडल है जिसने इनको इतना कामयाब बनाया। एग्जैक्टली और इसके साथ साथ इनकी एक हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी भी है, तो जिनको ये फ्रेंचाइज सेल करते हैं तो उनको बुला के वहाँ पे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करवाते हैं कि वो प्रोडक्ट और उसके ऑपरेशन से रेलेवेंट जो है ना वो सीख सकें। और एक टाइम ऐसा था कि आई वॉज रीडिंग मतलब बिजनेस रिकॉर्डर, तो वहाँ पे एक टाइम ऐसा बताया था कि मैकडोनल्ड्स को जब फंड्स की कमी थी तो बैंक्स इनको इंटरटेन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जितना बड़ा, मतलब इट इज़ वन ऑफ द 5th लार्जेस्ट रियल स्टेट ओनर इन द वर्ल्ड। दुनिया की अगर हम रियल स्टेट कंपनीज को देखें तो उसके अंदर एक फूड चेन का नाम आना बड़ी डिफरेंट बात है। सो मैकडोनल्ड जो है वो 5वें नंबर पे इट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट रियल स्टेट होल्डर, 5th लार्जेस्ट। तो इस वजह से आप देखें कि वो आज उनको बैंक किसी और नज़र से देखते हैं। जिनके पास रियल स्टेट होती है, आपको पता है कि बैंक्स उनके साथ बड़े कंफर्टेबल होते हैं कि चलो एक चीज़ फिजिकल है, इसके अगेंस्ट हम इनको कुछ दे दें, बट दे डोंट नीड इट। उनके पास ऑलरेडी इतनी स्मूथ कैश फ्लोज हैं, एंड यू नो सम सिचुएशंस, जिस तरह से पेंडेमिक आया, इतनी कैटास्ट्रॉफिक किस्म की सिचुएशन थी, उसके अंदर भी मैकडोनल्ड्स अच्छा क्यों रहा, क्योंकि रियल स्टेट के पैसे कम हो गए तो उन्होंने बहुत सारी जगह और परचेज कर ली, एंड नाउ एज ऑफ द बिजनेस आर ग्रोइंग एंड कमिंग टू द नॉर्मल, ठीक है, तो अब वो उसके ऊपर मजीद ब्रांचेस बनाएंगे और अच्छी प्राइसेस के ऊपर उनके जो है ना वो रियल स्टेट की वैल्यूएशन होगी। तो ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ थी जो मैकडोनल्ड के साथ मंसूब थी, और जो आपने हिस्ट्री बताई दैट वॉज ऑल्सो थॉट प्रोवोकिंग। जी, थैंक यू सो मच व्यूअर्स हमें आज की एपिसोड में सुनने के लिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे नई किसी कंपनी के बारे में कुछ फैक्ट्स लेके आएंगे और डिफरेंट केसेस के थ्रू अपनी लर्निंग को एस्टैब्लिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें सोशल मीडिया चैनल्स पर फॉलो करना मत भूलिएगा, और अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।